आज के भारत को पीएम मोदी क्यों कहते हैं न्यू इंडिया, जानना चाहेंगे? इसकी एक ऐसी वजह हम आपको बताते हैं जो आपको भारतीय होने का फक्र भी महसूस करवाएगी। आजादी के बाद के 6 दशकों से भी ज्यादा वक्त के दौरान भारत को पैसे के लिए दुनिया के आगे हाथ फैलाना पड़ता था, लेकिन अब हिंदुस्तान बदल चुका है। जी हाँ, अब भारत बदल चुका है, क्योंकि अब अपनी आत्मनिर्भरता को वो बढ़ा रहा है। भारत न केवल दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, बल्कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भी सबसे कम कर्ज लेने वाला देश बन चुका है। ये दावा किसी और ने नहीं, बल्कि खुद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने किया है कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत पर कर्ज का बोझ सबसे कम है। IMF ने कहा है कि वर्ल्ड GDP में भारत का कर्ज वैश्विक कर्ज से कम है। IMF के नए आंकड़ों के मुताबिक 2017 में भारत में प्राइवेट लोन GDP का 54.5% था और सरकार का कर्ज 70.4%। कुल लोन GDP का 125% था, जबकि चीन का लोन GDP का 247% है। अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। यही वजह है कि भले ही दुनिया फिर मंदी के दौर की तरफ बढ़ रही हो, भले ही अमेरिकी बाजार में गिरावट का दौर चल रहा हो, लेकिन भारत को डरने की जरूरत नहीं है।